सो हेलो एवरीवन, जी ऑफ दिस साइड हम लोग की ऑलरेडी बात हुई थी कि मैं वन शॉट लेक्चर सीरीज आपके लिए लेके आने वाला हूँ। सो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। द लिविंग वर्ल्ड जो है आपके सामने, इसके अंदर पहले इंट्रो में ये बोला गया कि भाई हाउ वंडरफुल इज लाइफ, हाउ वंडरफुल इज लिविंग वर्ल्ड। दुनिया बहुत 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 अमेजिंग है। आप देखो, पहाड़ है, फॉरेस्ट है, ओशियन है, फ्रेश वाटर लेक्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, भाई गैलोपिंग हॉर्स बताया, बर्ड्स हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन इंट्रो में से हम लोगों को किस चीज पे ध्यान देना पड़ता है कि आपको व्हाट इज लाइफ, हम लोग को इंट्रो में क्या देखना है, व्हाट इज लाइफ, यही हमारे काम का है ना। देखो, और व्हाट इज लाइफ का जो बोला गया हम लोग को, तो यहाँ पर क्वेश्चन इज के भाई इसके दो आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, सब क्वेश्चन। पहला तो टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। और दूसरा क्वेश्चन ये होगा भाई फिलोसॉफिकल बेस पे कि भाई व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, जिंदगी का मकसद क्या है, ये हम नहीं डिस्कस करने वाले। हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग थिंग। सो उसी के आगे कड़ी में हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, यहां पर बोला गया कि व्हाट इज लिविंग। सो व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, हम लोग इसके अंदर क्या देखते हैं, खास चीजें ये देखते हैं कि ग्रोथ हो जाए, रिप्रोडक्शन हो, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, जिसको आप कॉन्शियसनेस बोलते हैं, उसके बाद माउंट सूटेबल रिस्पॉन्स भी आता है, और उसके अंदर एक्स्ट्रा चीजें हैं जैसे कि देखो मेटाबॉलिज्म यहाँ आ रहा है, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट वगैरह, सेल्फ ऑर्गेनाइज वगैरह, ये सारी चीजें मिलने वाली है, है ना। तो पहले से स्टार्ट करूंगा ग्रोथ। तो देखो, यहां पर ग्रोथ के बारे में बोला गया था, व्हाट इज ग्रोथ। तो ग्रोथ इज, ग्रोथ जो है ना, बेसिकली ग्रोथ है इररिवर्सिबल इंक्रीज। क्या है ग्रोथ? है इररिवर्सिबल इंक्रीज, ठीक है। ग्रोथ क्या है? इररिवर्सिबल इंक्रीज इन, देखो ध्यान से, ग्रोथ इज इररिवर्सिबल इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स एंड ड्राई मास ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ इज इररिवर्सिबल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स एंड ड्राई मास ऑफ ऑर्गेनिज्म। नंबर ऑफ सेल्स तो हम लोगों को पता है, व्हाट डज इट्स ड्राई मास मीन। सो ड्राई मास का क्या मीनिंग होता है? ड्राई मास का मीनिंग ये होता है कि फ्रेश मास जिस भी ऑर्गेनिज्म का हो, उसमें से अगर आप वाटर का वेट निकाल देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, तो जो वेट बचने वाला है दैट इज अ ड्राई मास, जो कि कभी भी हम लोगों का कम नहीं होने वाला है, ठीक है, ओके। उसके बाद आपको रिप्रोडक्शन मिलता है। सो रिप्रोडक्शन का क्या मीनिंग है? रिप्रोडक्शन का मीनिंग है द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस, द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस लाइक वंस, अपने जैसे दूसरे प्रोड्यूस कर देना। वाई सो? टू कंटिन्यू देयर रेस। ये रीजन होता है रिप्रोडक्शन का, रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करना, ठीक है, ओके। कॉन्शियसनेस वगैरह हम लोग अभी सब डिस्कस करने वाले हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है, देखो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का 1.1 हेडिंग है, और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो बोल्ड करके दी हुई एनसीईआरटी ने। क्या है लाइन? देखो तो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, मतलब हमें से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे ग्रो जरूर करते हैं, किसी भी बेसिस पे ग्रो करें। एग्जाम्पल जैसे देखो, हम लोगों का जब केजी में, सीनियर केजी हो या जूनियर केजी हो, उसमें जब एडमिशन हुआ था, उस टाइम पे जो हमारी हाइट थी और जो हमारा वेट था, एग्जैक्टली सेम वेट अभी भी है क्या? नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि हम ग्रो हो गए, हम बड़े हो गए, ठीक है, ओके। तो अब एक और बात कि भाई इंक्रीज इन मास भी ग्रोथ है, और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ भी आपका ये ग्रोथ मानी जाएगी, और इंक्रीज इन मास भी ग्रोथ है। अब एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल डिवीजन के थ्रू ग्रो होने वाले हैं, है ना, करेक्ट बोल रहा हूं ना। एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो रहेगा वो सेल डिवीजन के थ्रू ग्रो होने वाला है, वेरेज एक यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन विल बी इक्वल टू, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म का उसके अंदर रिप्रोडक्शन विल बी इक्वल टू सेल डिवीजन, ठीक है। यूनिसेलुलर के अंदर रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन जो है दोनों सेम रहने वाले हैं, ठीक है, ओके। अब देखो आगे देखते हैं। सो एनिमल्स में ग्रोथ जो है सर्टेन एज तक देखी जाती है। वैसे बाय द वे, अगर मैं बोलूं, आपसे क्वेश्चन पूछूं कि चलो मुझे बताओ दो कि भाई ह्यूमंस में ग्रोथ किस एज में स्टॉप हो जाती है, तो देखो हम लोग डाइवर्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं, है ना, ह्यूमंस द सोशल एनिमल, तो बहुत डाइवर्स है हम लोग। लेकिन ऐसा कुछ जगहों पर मैंने पढ़ा हुआ है कि भाई 22 ईयर्स की जो एज होती है ना हम लोगों की, कितनी, 22 ईयर्स की जो एज होती है, इसमें हमारी हाइट इंक्रीज होना स्टॉप हो जाती है। लेकिन ये एक एवरेज नंबर है, ठीक है। एक एवरेज नंबर का क्या मीनिंग? एक एवरेज नंबर का मीनिंग ये होता है कि जब भी बहुत सारे ह्यूमन इंडिविजुअल्स हैं, तो उनमें चेक किया गया कि भाई एवरेज किसकी किस एज में हाइट स्टॉप हो रही है, तो वो 22 ईयर्स मिला। कि कोई 25 ईयर्स की एज तक किसी की हाइट इंक्रीज होती होगी, तो किसी की हाइट जो 18-19 में स्टॉप हो जाती होगी। चलो आगे देखते हैं और क्या बोला जा रहा है।
सो सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल्स. अभी देखो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है सेल डिवीजन के थ्रू ग्रो हो जाती है ना, इनके अंदर रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन दोनों सेम हो जाएगा. वन कैन इजिली ऑब्जर्व दिस दैट इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ द सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप. अब इजिली ये समझ में आ जाएगा हम लोग को. लेकिन ज्यादातर हायर एनिमल और प्लांट की अगर बात करूं तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है म्यूचुअली अलग अलग चीजें हैं. ठीक है, ओके. नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं क्या, क्वेश्चन ये आ रहा है. क्वेश्चन ये है कि भाई इधर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन, नॉन लिविंग थिंग बोला जाएगा ये, अगर टू बी प्रिसाइज अगर बोलूं तो नॉन लिविंग थिंग ये ग्रो होते हैं क्या. सो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स या नॉन लिविंग थिंग्स ये ग्रो नहीं होते हैं, बट एक्सट्रिंसिक ग्रो शो करेंगे. मतलब बाहर से, जैसे समझो फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरी एक एग्जाम्पल दूंगा, बाइक. देखो अभी कुछ दिन के लिए मुझे अगर छुट्टी पे जाना पड़ा तो मैं बाइक का क्या करूंगा, बाइक को घर पे छोड़ दूंगा और वैकेशन पे निकल जाऊंगा. अभी ये मेरी बाइक है, ये बाइक के ऊपर फॉर एग्जाम्पल मैं 15 डेज के लिए चला गया था घूमने के लिए, तो बाइक के ऊपर बहुत सारी डस्ट का डिपोजिशन हो जाएगा. अभी डस्ट का डिपोजिशन हो गया तो मेरी बाइक का जो पहले वेट था, मेरी बाइक का जो वेट था लेट से फॉर एग्जाम्पल उसको मैं W1 मान लेता हूं, है ना. अभी वैकेशन से आने के बाद मेरी बाइक के ऊपर थोड़ी सी डस्ट आ गई है, लेकिन कुछ ग्राम्स में ही सही, लेकिन मेरी बाइक का वेट बढ़ गया है ना, तो इसको मैं W2 मान लू क्या. चलो मान लेते हैं इसको मैं W2 मान लेता हूं. तो मुझे ऐसा बताओ मेरी बाइक ग्रो हो गई क्या, क्या लगता है आपको. सो बाइक तो ग्रो हुई नहीं या हो गई, वेट तो बढ़ गया भाई. तो ग्रोथ का यही प्रॉब्लम है कि भाई हम लोग बोलते हैं कि एनिमल्स और प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी भी बात करो लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो इंटरनली ग्रो होने वाले हैं. लेकिन यहां पर केस ये है, यहां पर ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई चलो बताओ तो मुझे ये बाइक पे जो डस्ट आ गई तो बाइक ग्रो हो गई क्या मेरी. ऐसे ही देखो एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि देखो माउंटेन्स हैं, बाउल्डर्स हैं और ऐसे ही सैंड माउंट्स हैं, ये भी ग्रो हो रहे. अब ये टाइप की जो ग्रोथ होगी, ये ग्रोथ होगी, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो कर दे रहे हैं, ये भले ही एक्यूमुलेशन के थ्रू शो कर रहे हैं, एक्यूमुलेशन के थ्रू शो कर रहे हैं, बट इसके अंदर भी अगर मैं बोलूं तो हमारी असल ग्रोथ जो इनसाइड है, ग्रोथ तो इनसाइड से रहने वाली है. अब हम लोग इसको डिफाइनिंग फीचर बोल सकते हैं. यानी एक बात सुन लो, डिफाइनिंग और कैरेक्टरिस्टिक ये दो फीचर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं. भाई डिफाइनिंग ऐसी चीज है, डिफाइनिंग ऐसी चीज है जो कि आपको 100% सिर्फ लिविंग में ही मिलने वाली है. किसमें 100% सिर्फ आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलने वाली है, और आपको 0% वो नॉन लिविंग में मिलेगी. ठीक है, 0% आपको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्जेक्ट्स में मिलने वाली है. तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है क्या फिर ग्रोथ, नहीं है. ठीक है, नहीं है. हाँ एक और खास बात बोल देता हूं आपको मैं कि भाई डेड ऑर्गेनिज्म कभी भी ग्रो नहीं होते हैं. डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, देखिए एनसीईआरटी की लाइन है ना. चलो आगे बढ़ते हैं. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हम लोग को दिख रही है रिप्रोडक्शन, है ना. इसमें देखो बेसिकली दो चीजें आएंगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या केस होता है, यहाँ पर जो प्रोजेनी होती है, जो ऑफस्प्रिंग होती है ना, वो कम या ज्यादा अपने पेरेंट्स ऐसे ही रहते हैं. यहाँ पर लिखा भी देखो मोर और लेस, अभी मोर और लेस लिखा हुआ है, मोर और लेस दे आर सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स. लेकिन अगर हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई थी फंगस की, पंचायत मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजिली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स. क्या प्रोड्यूस करते हैं वो, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं. वैसे अगर आप लो ऑर्गेनिज्म देख लो, यीस्ट देख लो, हाइड्रा देख लो, इन लोग क्या करते हैं, बडिंग करते हैं. फॉर एग्जांपल देखो समझो ये यीस्ट है, यीस्ट के ऊपर छोटा सा पोर्शन आ जाएगा जो कि आगे चल के कट होगा और ये एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म खुद बन जाएगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बडिंग. वेरस अगर प्लानेरिया की बात करूँ ना, तो प्लानेरिया प्लैटिहेलमिंथेस में आता है और एक अकेला सिंगल मेंबर प्लैटिहेलमिंथेस का जो कि नॉन पैरासाइटिक है. तो प्लानेरिया दे आर फ्लैटवर्म्स, ये ट्रू रीजनरेशन शो करते हैं. इन माई कॉलेज डेज, जब मैं कॉलेज में था ना, तो मुझे सेलेक्ट किया गया था कॉलेज की तरफ से प्लानेरिया के रीजनरेशन पे काम करने के लिए, और मैंने काफी अच्छे से काम भी किया था. माना ये प्लानेरिया, ठीक है, मुझे तीन कट, मुझे मतलब दो कट में तीन पोर्शन बनाने को बोला गया था. मैंने यहाँ यहाँ से कट कर दिया, तो यहाँ से एक अलग प्लानेरिया बना, यहाँ से दूसरा वाला प्लानेरिया बन गया, यहाँ से तीसरा वाला प्लानेरिया बन गया. डेली मुझे रोज सुबह लैब में आना पड़ता था और उनके फोटोज लेके मुझे मेरे जो साइंटिस्ट गाइड थे उनको मुझे सेंड करना पड़ता था. तो देखो ऐसे तीन डिफरेंट बन गए थे. ये टूल जनरेशन शो करता है ना, बिल्कुल करता है. तो यहाँ पर इसके आगे देखते हैं शो. अब यहाँ पर और एक एक्स्ट्रा चीजें लिखी हुई है कि भाई फ्रेगमेंटेशन के थ्रू प्लानेरिया तो हो जाता है, वैसे फंजा है जिसके अंदर स्पेशली फिलामेंटस फंजा होना जरूरी है. देखो फंगस में तो साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी भी मिल जाएंगे आपको. आप अगर किसी किसी वाटर बॉडी को अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो वहां पर आपको अलगल बेट दिखते. अब आप बोलेंगे कि भाई ये ब्लू ग्रीन एल्गी है या फिर फिलामेंटस एल्गी है, तो आपको ना स्टिक टेस्ट करना पड़ेगा. स्टिक टेस्ट कैसे करेंगे, यू जस्ट नीड टू डिप ए स्टिक, यू हैव टू पुट दैट स्टिक और उसको उठा के देखना होता है. अगर वो पूरी एक साथ उठ जाए तो आप उसे बोलेंगे भाई फिलामेंटस एल्गी है, और अगर एक साथ ना उठे तो आप उसको बोलेंगे भाई साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी.
ठीक है ओके। देखो प्रोटोनिम ऑफ मॉसेस की बात करो, ये सब वगैरह जो है ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू मल्टीप्लाई होने वाले, किसके थ्रू? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। और अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो जाए, एल्गी यूनिसेलुलर है या फिर अमीबा है, इन लोग क्या करते हैं, हमारी पहले भी बात हो गई है कि भाई इनके लिए ग्रोथ जो है, ग्रोथ वो इक्विवेलेंट है किसके, ग्रोथ इज इक्विवेलेंट टू रिप्रोडक्शन, ग्रोथ इज इक्विवेलेंट टू रिप्रोडक्शन, है ना ओके। अभी देखो हम लोग ऑलरेडी ग्रोथ को डिफाइन कर चुके हैं कि इंक्रीज इन सेल नंबर और मास है। यहाँ पे एक और बात एक्स्ट्रा में आने वाली है कि भाई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसके बारे में बहुत ज्यादा क्लियर पता नहीं है, लेकिन एक दूसरी बात बताना चाहता हूँ जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन जो डिफाइन कैरेक्टर फीचर नहीं बन पा रहे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, यहाँ पर लिखा हुआ है जैक एंड मेयर रिलेशनशिप, पता है ना आपको, जैक एंड मेयर जो है, जैक का मीनिंग होता है, मुझे पहले थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे, ठीक है सर। देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं जैक एंड यहाँ पर लिख देता हूँ मेयर, ठीक है। जैक का मीनिंग होता है मेल हॉर्स, जो मेल की डिनोशन है, एंड मेयर का मीनिंग होगा मेल डोंकी रहेगा जैक, और मेयर का मीनिंग होगा फीमेल हॉर्स, और नेचुरल मीन्स में ये लोग कंसीव कर लेते हैं और इनकी जो ऑफस्प्रिंग होती है, इनका जो बेबी बनता है उसको बोलते हैं हम लोग म्यूल, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, म्यूल। देखो यहाँ पर म्यूल लिखा हुआ है ना ओके। सो म्यूल हो या फिर वर्कर बीज हो या फिर कुछ कपल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स जो कि कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो बेसिकली वो लाइक नॉन लिविंग थिंग थोड़ी ना हो, वो भी तो लिविंग है, अगर भी जिंदा कहलाने का, तो वर्कर बीज होती है। आपको कास्ट पता होगा नहीं बीज में, भाई क्वीन है, वर्कर है, ड्रोन है, क्वींस आर फर्टाइल फीमेल्स वेयरएज ड्रोन्स आर फर्टाइल मेल्स, और वर्कर बीज जो होती है वो स्टेराइल फीमेल्स होती है जिनका सिर्फ एक ही काम होता है, दे हैव टू प्रोटेक्ट द हाइव और दे हैव टू कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स टू मेक हनी, ठीक है। तो ये लोग जो है इनको जिंदा कराने का बिल्कुल हक है, तो इसलिए प्रॉब्लम ये आ जाती है कि भाई रिप्रोडक्शन जो है हमारे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं रहेगी। चलो आगे चलें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म, क्या लिखा हुआ है, मेटाबॉलिज्म द सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म, जिसके अंदर दो प्रोसेस मिलने वाले हैं, कौन कौन से होंगे वो, एक होगा वो कैटाबॉलिज्म, क्या रहेगा, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, तो कैटाबॉलिज्म में काटो वर्ड अगर रहेगा, मतलब एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है आपके पास जिसको आपने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करके रख दिया है ना, काटो वर्ड, तो काटो मॉलिक्यूल हम जब काटो रिएक्शन हम करने वाले हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज द ब्रेकडाउन रिएक्शन, क्या बोलोगे उसको, ब्रेकडाउन रिएक्शन, उसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन रिएक्शन। तो कैटाबॉलिज्म में सारे ब्रेकडाउन रिएक्शन होने वाले हैं, वेरा अगर मैं एनाबॉलिज्म की बात करूं, जैसे कैटाबॉलिज्म के अंदर काटो हमने बोला, वैसे ही एनाबॉलिज्म में हम लोग एनेरो बोलने वाले हैं, क्या बोलेंगे, एनेरो। सो एनाबॉलिज्म रिएक्शन जो होते हैं, एनाबॉलिज्म रिएक्शन जो होंगे, इनमें छोटे 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 से मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना के रख देंगे, ठीक है। सो द सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस का मीनिंग ये रहेगा कि भाई द सम टोटल ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, व्हिच मींस द ब्रेकडाउन रिएक्शंस एंड द सिंथेसाइजिंग रिएक्शंस का सम टोटल कर लेने को आप बोलने वाले हो मेटाबॉलिज्म, जो कि एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। चलो आगे देखते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, यस बिल्कुल करेक्ट बात है, इसीलिए मैंने तो बायोकेमिकल रिएक्शन बोला। दिस केमिकल्स स्मॉल एंड बिग, अभी ये बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के, साइज के, फंक्शंस के रहने वाले हैं, और कुछ एक्स्ट्रा बातें यहाँ पर ये बताई गई हैं कि भाई कुछ स्पेशल केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जो कि हजारों मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग इन द साइमल्टेनियस लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अब नीचे अगर देखने जाऊं तो यहाँ पे मुझे पता चलता है कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर सारे प्लांट्स सारे एनिमल फंगस एक्सेट्रा 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 सबके अंदर हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन 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 मैं एक चीज हाईलाइट कर देता हूं आपके सामने, देखो यहां पर नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, क्लियर रहेगा, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, किसी भी नॉन लिविंग, जैसे ये चेयर हो जाए या फिर अभी मेरा लैपटॉप हो, ये सारी चीजें कभी मेटाबॉलिज्म शो कर सकती है क्या, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, क्या अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी ये शो कर पाएंगे। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोंस्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी एज वेल, देखो एक टेस्ट ट्यूब ले लो, ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर अगर मैंने कुछ एमी ऑस्मोटिक सिंथेसिस वगैरह शो की पीटर मिशेल की, तो यहाँ पर मैं आप बोल सकता हूँ क्या, देखो ये तो सेल्फ्री मीडियम है, ये तो नॉन लिविंग है, यहाँ पर कैसे हो रहे हैं, तो ये एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिव इवेंट, क्या सेंटेंस है पूरा पढ़ता हूँ, देखो मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोंस्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन द सेल फ्री सिस्टम इन अ टेस्ट ट्यूब इज नेदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल देंगे, यस इट इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्लियर रहेगा ओके। चलो देखते हैं हम नीचे,
अब नीचे देखो तो यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, अभी नई चीज आ रही है भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज अ डिफाइनिंग फीचर। अब एक एक्स्ट्रा चीज आ रही है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी डिफाइनिंग फीचर बोल दिया बिकॉज नेक्स्ट देखो रूडोल्फ वर्चू, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, बिल्कुल करेक्ट बात है, इसलिए हम लोग ये मान लेते हैं। चलो आगे चले, ठीक है। Most obvious and technically complicated feature of all living organisms is the ability to sense the environment. इसको बोला जाता है भाई consciousness, क्या बोलोगे consciousness, क्या बोलोगे consciousness, यहाँ पर सी consciousness, ठीक है okay consciousness, ठीक है। तो भाई कॉन्शियसनेस की अगर मैं बात करूं तो कॉन्शियसनेस क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू सेंस द एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू इट By means of external stimulus, उसको सेंस करता है ना। अभी प्लांट्स की बात करो तो प्लांट्स में आपको पता होगा, प्लांट्स में आपको पता है कि किसी प्लांट का नाम जिसको काफी फेमस किया गया है वो है टैश्मिनोट प्लांट, करेक्ट, टैश्मिनोट प्लांट। ये क्या है, ये कॉन्शियसनेस शो कर, सारे प्लांट्स कॉन्शियसनेस शो करते हैं आपको पता होगा, आई डोंट नो बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ, जेसी बोस करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने प्रूव भी किया हुआ, ठीक है ओके। चलो We sense our environment through our senses. हमारे पास कितने सारे सेंस है बोलो तो, सिक्स सेंस है ना, कितने सेंस है हमारे पास, हमारे पास टोटल फाइव सेंसेस हैं, ठीक है, फाइव ही सेंस है हमारे पास। चलो फोटो पीरियड है, फोटो पीरियड के अंदर प्लांट्स को देखा है आपने भाई, वो एडीपी होते हैं या फिर एसडीपी होते हैं या फिर वो डीएनपी होते हैं, क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा टाइम ज्यादा लाइट चाहिए आपको या फिर उससे कम चाहिए या फिर आपको उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट या फिर डे न्यूट्रल प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट, तो ये भी फोटो पीरियडिज्म के बेसिस में आ जाते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल इंटरिंग देयर बॉडीज, ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। ह्यूमन जो है हमारा ऑर्गेनिज्म अपने आप से अवेयर है, ह्यूमन इज, देखो एनसीईआरटी की लाइन है ध्यान से याद रख लेना कि भाई ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, और हमारे पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है, ठीक है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। चलो आगे देखते हैं, ह्यूमंस की बात करें तो भाई लिविंग स्टेट, वी ऑब्जर्व पेशेंट्स लाइंग इन कोमा, अभी कोमा में जो बंदा है, कोमा में जो बंदा है वो उसका क्या बोलोगे आप, कोमा में है ना, हॉस्पिटल में वर्चुअली सपोर्टेड कई सारी मशीन्स हैं जो कि उसके हार्ट और लंग्स का आर्टिफिशियल फंक्शन कर रही है, तो ये पेशेंट क्या है, ये पेशेंट लिविंग है या नॉन लिविंग है, देखो यहाँ पूछा भी है लिविंग और नॉन लिविंग, आपका क्या लगता है लिविंग या नॉन लिविंग। तो एक बात हमेशा याद रखना कि बंदा इधर कोमा में हो, ब्रेन डेड भी बोल सकते हो उसको, तो भी उसके अंदर अ लिटल अमाउंट ऑफ कुछ ना कुछ हद में उसकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती ही रहेगी, तो आप उसे बोलने वाले हो लिविंग, ठीक है ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, सो डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखो अगर हम लोग अपने आसपास देखें ना तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स एंड प्लांट्स हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखो पॉटेड प्लांट है, इंसेक्ट है, बर्ड्स हैं, इवन हमारे घर में जो पेट्स होते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें, ये सब एनिमल्स इधर एनिमल्स या प्लांट्स में आने वाले हैं, तो सब क्या है, सब है डाइवर्स ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ओके। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस रिफर्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द प्लैनेट अर्थ, कितने हैं हम एनिमल्स और प्लांट्स दोनों मिला के देखो तो कितने हैं, तो हम लोग हैं 17 से 18 लाख टोटल, 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑन द प्लैनेट अर्थ, नहीं ऐसा नहीं, देयर आर 7 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑन द प्लैनेट अर्थ, ठीक है, 7 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द प्लैनेट अर्थ, ये बोला था रॉबर्ट मेस आपने, आप बायोडाइवर्सिटी पढ़ने वाले हो, हम लोग इंशाल्लाह उसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है ओके। 70 लाख में से हमने कितने आइडेंटिफाई किए अभी तक, सिर्फ 17 से 18 लाख, अगर आप परसेंटेज निकालने जाओगे तो करीबन 20-22 परसेंटेज बनते हैं इसके। चलो देखते हैं और आगे क्या मिल रहा है लोगों ने, As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animals on our own by their local names. अभी ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हम लोग को, वर्नाक्यूलर नेम्स। अभी देखो मैं हमारे यहाँ की अगर बात कर लूँ तो इंडिया में कई सारे प्लेसेस में मेरा जाना हुआ है, तो वहाँ पर कई सारे प्रॉब्लम्स मुझे आए हैं। जैसे मैं इतना छोटी सी एग्जांपल आपको दे देता हूँ, कोरिएंडर, कोरिएंडर मेरे एरिया में कोरिएंडर का कोई और नाम है, साउथ इंडिया में कोरिएंडर का कोई और नाम है, नॉर्थ इंडिया में कोरिएंडर का कोई और नाम है, क्या करो फिर,
मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो चुका है, तो लोकल नेम्स का इशू आता है, ठीक है, लोकल नेम्स का इशू आ जाएगा। अब ये लोकल नेम्स दे लिटरली वैरी फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस, इवन लाइक वन लोकेशन टू द अदर लोकेशन, अपना नाम बदल देते हैं, इस वजह से हम लोग काफी प्रॉब्लम आने वाली है। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, उनका एक प्रॉपर ऐसा नाम रख देते हैं जो कि सारी दुनिया में वाइडली एक्सेप्टेड हो, और अब से हम लोग उनको बोलेंगे साइंटिफिक नेम्स, या फिर आप उसको क्या बोलोगे, बायोलॉजिकल नेम। क्या बोलने वाले हो, बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम भी चलेगा और बायोलॉजिकल नेम भी चलने वाले, क्लियर। तो देखो, hence there's a need to standardize the name of the living organism, such as a particular organism is known by the name, उस नाम देने प्रोसेस को हम लोग nomenclature बोलेंगे, identification जब उसको आप पहचान लेंगे, classification, तो हम लोग को चार चीजें मिलने वाली है भाई, भाई आपको सबसे पहले characterization करना होगा, characterization, ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आपको उसको identify करना है, तो identification, फिर उसके बाद क्या करने वाले हो, उसके बाद आप उसको classify कर लो, और फिर क्या करना रहेगा, nomenclature कर लो, ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड नॉमिनेशन, ऐसे चार कैरेक्टर्स रहेंगे, इनको एक साथ अगर डिस्कस करना है आपको, तो आप इनको क्या बोलने वाले, तो आप टैक्सोनॉमी बोलने वाले, ठीक है, टैक्सोनॉमी। सो उसको नाम देने के प्रोसेस को नॉमिनेशन बोलोगे, वेयर एज उसको क्लासिफाई करने के प्रोसेस को क्लासिफिकेशन, और यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन लिखा हुआ है, तो आइडेंटिफाई करने के प्रोसेस को हम लोग आइडेंटिफिकेशन बोलने वाले हैं, ठीक है, ओके। चलो अब देखते हैं आगे क्या मिल रहा है हम लोगों को। In order to facilitate the study, number of the scientists have established अलग अलग different different ways आए हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ specific चीजें हैं, जैसे कि ICBN और ICZN, जिसको ICZN भी बोल सकते हो आप, ICBN and ICZN, है ना। अभी ICBN क्या है देखो, तो ICBN देखो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ आपको, ICBN जो है आपका इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमिनक्लेचर, है ना, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमिनक्लेचर, whereas ICZN की अगर मैं बात करूँ तो ये रहेगा इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इनकी आपको परमिशन लेनी होगी, अगर आपको कोई नया प्लांट या नया एनिमल मिले, आप उसे डिस्कवर करो, तो आप फिर उसको लेके जाओ यहाँ पर अप्लाई करो। और फिर मेरे फ्रेंड था, हम जब मास्टर्स में थे, तो उसने कुछ फिशेज उसके लोकल एरिया के पॉन्ड में उसने कैप्चर की हुई थी, वो लेके गए थे हम लोग ICZN में, तो लिटरली उसमें से एक दो फिशेज ऐसी थी जिनका कोई नाम ही नहीं था। वो काफी लंबा प्रोसेस होता है, बट स्टिल हो जाता है, काफी मजा आता है इन चीजों में, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं हम लोग आगे का प्रोसेस के, साइंटिफिक नेम्स जो होते हैं इनके अंदर कितने नाम होते हैं। तो देखो आपको पता होगा बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाय का मीनिंग बोलो तो, बाय का मीनिंग होता है टू, बाय का मीनिंग क्या है, टू, आपको पता है ना, मोनो डायट्रा टेट्रा पेंटा हेक्सा हेक्टा ऑक्टा नॉनडेका, तो बाय का मीनिंग होता है टू, बाय का मीनिंग टू, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर मतलब दो नाम, दो नाम में से क्या क्या मिलेगा, तो पहला नाम जो होता है वो जेनेरिक नेम होता है, दूसरा नाम जो होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट बोलेंगे, या फिर उसको आप स्पेसिफिक नेम भी बोल सकते हो, एनसीईआरटी स्पेसिफिक एपिथेट बोल रहे हैं, है ना। सो क्या होता है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, इसको किसने प्रपोज किया, इसको प्रपोज किया था भाई कैरोलस लिनायस ने, कैरोलस लिनायस, है ना, कार्ल वॉन लिनायस नाम था, फिर बाद में इन्होंने कैरोलस लिनायस, क्योंकि अपना खुद का नाम भी उनको बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में लेके आना था, कि भाई मेरा नाम भी दो ही हो, जब मैं सबके नाम दो रख रहा हूँ तो मेरे तीन नाम कैसे हो जा रहे हैं, कार्ल वॉन लिनायस, तो फिर उन्होंने कैरोलस लिनायस नाम अपना चूज किया था। चलो और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ फॉर्मेट है इसका, देखो जैसे कुछ रूल्स हैं। अभी एक साइंटिफिक नेम देख लो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, मैंजीफेरा इंडिका, क्या लिखा हुआ है, मैंजीफेरा इंडिका। अभी मैंजीफेरा इंडिका यहाँ पर अंडरलाइंड नहीं है, ये टाइपोग्राफिक में आप देखेंगे तो इटैलिक फॉर्मेट में लिखा हुआ है, बिकॉज व्हेन यू आर टाइपिंग अ साइंटिफिक नेम दैट नेम हैज टू बी लिटरली टाइप्ड इन इटैलिक फॉर्मेट, बट अगर आप उसको लिख रहे हो, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखने जाऊंगा साइंटिफिक नेम एक्स वाई जेड ऐसे कुछ भी, तो इसको मुझे अंडरलाइन करना होगा, ठीक है, अंडरलाइन क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल है भाई, रूल तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखो पहला रूल क्या बोलता है कि भाई बायोलॉजिकल नेम्स जो हैं ये जनरली लैटिन में होते हैं, लैटिन में क्यों, क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है जिसमें न्यू वर्ड्स नहीं ऐड किए जा सकते, वो कहीं से भी दुनिया में रिगार्डलेस ऑफ देयर ओरिजिन, बट आपको इनको लैटिन में ही नाम देना पड़ेगा। दूसरा रूल देखो तो, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट, पहला नाम जो होता है वो जेनेरिक नेम होता है और दूसरा नाम जो रहेगा वो स्पेसिफिक नेम रहेगा। अभी देखो both the words is biological name when hand written are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin। एक और खास बात बताऊं आपको मैं, देखो जीनस का पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल लेटर से ही होना चाहिए हमेशा। फॉर एग्जाम्पल मैंजीफेरा बोला ना उन्होंने, तो हम लोग लिखेंगे भाई मैंजीफेरा, ठीक है, और बाद में क्या है इंडिका, है ना, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, ओके, इसको मैं सिंगल लाइन कर दूं, है ना, हो गए, ये सेपरेटली रिटर्न भी है प्लस ये अंडरलाइन भी है ना, क्योंकि हम लोग लिख रहे हैं, अगर हम टाइप कर रहे होते तो हम लोग को इसको इटैलिक फॉर्मेट में लिखना पड़ता। चलो तो भाई ये रूल भी डिस्कस हो गया हमारा, ये रूल भी डिस्कस हो गया, चलो और आगे चलते हैं। So
सो नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिसोड. यहाँ पर एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा शीट मिल रही है लिंक. देखो एक बार एससीईआरटी के आप क्वेश्चंस देखेंगे आप प्रॉपर अगर आप, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको लिन वाला वर्ड, है ना. ये लिन तो लिनियस को शो करता है, कैरोला सीनियस. और पहले ऐसा किया जाता था कि जो भी साइंटिफिक नेम होते थे ना उसके एंडिंग में जो ना ऑथर का नाम भी लिख दिया जाता था उसका शॉर्ट फॉर्म. लेकिन अब इतना ज्यादा ये प्रैक्टिस में नहीं है. चलो और आगे कुछ देख लेते हैं हम लोग. नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना पड़ेगा. भाई फिंडम एनिमेलिया देख लो, द लार्जेस्ट चैप्टर, द लॉन्गेस्ट चैप्टर ऑफ ऑल एनसीईआरटी. अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट फाइलम मिलते हैं, जैसे भाई पोरीफेरा है, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लैटिहेल मिलते हैं, ज़ायसल मिलते हैं, एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मॉल्यूस्का है, इकाइनोडर्मेटा है, हेमीकॉर्डेटा है, कॉर्डेटा है. अगर आप इन ब्रांडी की जाइनी बातें हैं तो उसमें आपको मिलेगा थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. वैसे बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स है ना. आप जिस कॉलेज में जिस स्कूल में पढ़ते रहे होंगे तो वहां पर भी आप देखेंगे तो भाई डिविजन्स होते हैं. एक्स वाई जेड आप कॉलेज में होंगे वहां पर आप देखेंगे आपके ही सेम स्टैंडर्ड में बहुत सारे डिविजन, ए बी सी डी ई एफ जी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये क्या है, ये क्लासिफिकेशन. इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने आप लोगों को क्लासीफाई किया हुआ है. सो क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कैटेगरीज, है ना. किसी भी चीज को आप कैटेगरी में डिवाइड करके रख देंगे और क्यों कैसे आप डिवाइड करेंगे, उसके इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पे, उसके इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पे, है ना. कुछ रूप ऐसे होते हैं जिसको हम प्लांट्स या एनिमल्स बोल सकते हैं, डॉग्स बोलो, कैट बोलो, वगैरह वगैरह. तो इसके अंदर आप क्या करते हैं भाई, आप किसी को भी देख ले उसको उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर से आप डिवाइड कर दें. जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल अल्सेशियंस की दी गई. देखो अल्सेशियन, If we were to think of alsatians, we know that what we are talking about. इसकी बात कर रहे हैं हम लोग पता है ना. अगर देखो मैमल बोल दो, अगर आप मैमल बोल दो तो यू विल लिटरली गोइंग थ्रू मैमरी ग्लैंड्स, है ना. पैरेंटल केयर है, फीमेल्स हैव मैमरी ग्लैंड्स, फंक्शनल मैमरी ग्लैंड्स फीमेल्स हैव, एंड दे विल बी एक्सक्रीटिंग सीक्रेटिंग मिल्क मिल्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर यंगर वंस. देखो एक्सटर्नल ईयर मैमल्स, बॉडी हेयर मैमल्स, है ना. वैसे अब एक बात, वीट, अगर हम लोग वीट गेहूं की बात करें तो फिर क्या हमारे माइंड में वीट का प्लांट ही आने वाला है. राइस सोचोगे क्या, नहीं सोचोगे. अगर हम लोग डॉग बोलते, कैट बोलते, मैमल, वीट, राइस, प्लांट, एनिमल, एक्सेट्रा, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सारे जो है कन्वीनियंट कैटेगरीज हैं, ठीक है. और कोई भी रैंक देख लो आप, कोई भी रैंक देख लो, उसको हर रैंक को आप टैक्सा बोलने वाले हो. जैसे आप स्टार्ट करो भाई किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेशीज, किसी की भी बात कर लो, हर रैंक को आप टैक्सा बोलोगे. और टोटल कितनी रैंक्स हैं, मेजर जो कैटेगरीज हैं उससे मेजर आप कैटेगरीज जब बात करते हैं तो सेवन है ना. देखो सेवन ही हूँ, बिल्कुल सेवन है भाई. किंगडम है, फिर आपको क्या मिलेगा बोलो, फाइलम मिलेगा. फाइलम के बाद क्या मिलेगा बोलो, क्लास. क्लास के बाद बोलो ऑर्डर. ऑर्डर के बाद फैमिली. फैमिली के बाद जीनस. जीनस के बाद स्पीशीज, है ना. देखो एक दो तीन चार पांच छह सात, है ना. ओके, तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. होपफुली ये पूरा क्लियर दिख रहा होगा आपको. चलो और आगे चलते हैं, ठीक है. अब एक तो एक एक्स्ट्रा चीज आ गई है हमारे टैक्सोनॉमी. तो टैक्सोनॉमी के बारे में एक बात बोलता हूँ भाई. टैक्सोनॉमी और आप अगर टैक्सोनॉमी के अंदर क्या करेंगे आप, टैक्सोनॉमी के अंदर चार चीजें आप देखने वाले हैं. क्या क्या रहेगा वो रहेगा कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर. अगर आप यहाँ पे नॉमेनक्लेचर रखते हैं तो फिर यहाँ पर क्लासिफिकेशन रखना पड़ेगा. बट चार चीजें आपको देखनी ही पड़ेंगी टैक्सोनॉमी के अंदर, ठीक है. ओके चलो और आते हैं. सो द टैक्सोनॉमी के अंदर एक्सटर्नल इंटरनल कैरेक्टर्स अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल हैं, डेवलपमेंट बोल रहे हैं, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें बहुत इसेंशियल हैं. देखो मैंने चार चीज क्या क्या बोले हुए थे, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर. कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये चारों चीजें टैक्सोनॉमी के लिए चाहिए रहेगी आपको, है ना. और आगे देख लें यहाँ पर, देखो सिस्टमैटिक्स करके एक वर्ड मिल रहा है. क्या मिल रहा है, सिस्टमैटिक्स. अभी सिस्टमैटिक्स में क्या है, तो इसके अंदर टैक्सोनॉमी से हायर कैटेगरीज में जाने वाले हो आप. इसके अंदर आप चेक करने वाले हो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. क्या चेक करोगे, सिस्टमैटिक्स के अंदर आप यूज करोगे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है. इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप सिस्टमैटिक्स में हम लोग चेक करेंगे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. तो इस ब्रांच के अंदर हम लोग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म अमंग देम चेक करने वाले. पहले तो हम लोगों ने उनको क्लासिफाई किया हुआ है, उनका नाम भी है हमारे पास. अब एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से इवोल्यूशन के बेसिस पे क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, उसकी स्टडी को आप सिस्टमैटिक्स बोलने वाले, ठीक है. ओके चलो और आगे चलते हैं. अभी देखो कैरोल स्पिनास ने ना एक बुक लिखी हुई थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरली. क्या नाम है, सिस्टेमा नेचुरली.
दिस वॉज द टाइटल ऑफ इस पब्लिकेशन एंड इसी के अंदर से हम लोग ये सब सिस्टमैटिक्स के बेसिक रूल्स मिलने वाले हैं। को आगे बढ़ते हैं। टैक्सोनॉमी कैटेगरी, जो सात कैटेगरीज के बात हुई थी हमारी, वही आ गए हैं यहाँ पे। अभी देखो टैक्सोनॉमी कैटेगरीज क्या होती है, ये इट्स अ पार्ट ऑफ ऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। और एक एक्स्ट्रा बात कि भाई ऑल कैटेगरीज टुगेदर एक साथ हायरार्की कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की, हम लोग बोलने वाले हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। चलो टैक्सॉन सिंगल, और फिर आप मतलब अगर आप प्लूरल देखना चाहते हो तो आपको वर्ड मिलेगा टैक्सा। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो होते हैं इनको हम लोग एग्जांपल के थ्रू लेके जा सकते हैं कि भाई इंसेक्ट्स हों और एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन हम लोग इसको प्रॉपरली अगर डिस्कस करना चाहें तो चलो हम लोग इसको यहाँ पे डील करते हैं। पहली जो कैरेक्टरिस्टिक जो लोवेस्ट कैरेक्टरिस्टिक मिलने वाली है उसका नाम रहेगा स्पेशीज। चलो देखो स्पेशीज के अंदर, स्पेशीज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज इज कॉल्ड एज स्पेशीज। ठीक है, a group of individuals organism with fundamental similarities are called as species. One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences. jaise dekho fir se wo example aa gayi bhai, kaun si example? Mangiferindica. dekho Mangiferindica ka kya meaning hai? Mango meaning hai. Solanum tuberosum kya rahega? potato rahega. Panthera leo kya hai? Panthera leo is lion. लायन है, सोलानम ट्यूबेरोसम जो है आपका पोटैटो है, वैसे मैंजिफेरा इंडिका क्या था? आपका मैंगो था। ये तीनों नाम में आपको देखो इंडिका ट्यूबेरोसम और लियो जो मिल रहे हैं यही स्पेशीज है, यही स्पेशीज या फिर स्पेसिफिक एपिथेट माने जाएंगे। अभी और देखेंगे क्या, वेल द फर्स्ट वर्ड मैंजिफेरा जो रहेगा हमारा जीनस रहेगा, जो कि अनदर हायर लेवल आगे हम लोग देखने वाले हैं क्या रहता है। अभी पैंथेरा जीनस की अगर आप बात करने जाएंगे तो उसके पास अलग भी है, टाइग्रिस है, सोलैनम है, बाकी देख लेंगे। नाइग्राम मेलोनजेना जो रहेंगे वो आपको सोलैनम के अंदर मिल जाएंगे। ह्यूमन बीइंग भी एक स्पेशीज है ना, हमारा नाम क्या है? होमो सैपियन सैपियंस, हमारा नाम है होमो सैपियन सैपियन। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में लेके चला जाते हैं, वो नाम हमारा सब स्पेशीज तक है क्योंकि होमो सैपियन फॉसिलिस जो कि प्री हिस्टोरिक ह्यूमन है जो कि फॉसिलाइज्ड है अभी, अब उसके लिविंग मेंबर्स नहीं है, इसलिए हमारा नाम सब स्पेशीज तक पहुंच गया, नाम है होमो सैपियंस। जीनस से बोलो तो जीनस में क्या बोल रहे भाई, एक ऐसा स्पेशल ग्रुप ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल्स है जिसके अंदर रिलेटेड स्पेशीज बोला जाएगा। इससे पहले ग्रुप ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल्स विच कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड एज स्पेशीज। वेयर एज वैसे ही स्पेशीज को अगर आप रिलेटेड ज्वाइन करवाते हो तो उस टाइम पे आप उसको बोलने वाले हो जीनस या फिर जेनेरा। ठीक है, ओके, इनके अंदर काफी कैरेक्टर कॉमन रहेगी बट स्पेशीज के बेसिस पे लोग कॉमन नहीं रहेंगे क्योंकि ये लोग इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस पे इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं। पोटैटो और ग्रिंजर देख लो है ना, ये दोनों के दोनों सोलैनम से जीनस सोलैनम के अंदर है बट इनके स्पेशल नाम अलग है, एक है आपका सोलैनम टिबेरोसम, दूसरा है सोलैनम मेलोनजेना। वैसे देखो आप पैंथेरा लियो, पैंथेरा पैराडस एंड पैंथेरा टाइग्रिस, ये कौन कौन है? लायन है, लेपर्ड है, टाइगर है, ये लोग तो अलग अलग है है ना, इनके पास कई कॉमन फीचर्स हैं लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे ये अलग है। अभी देखो एक और जीनस यहाँ पर आ गया फेलिस, फेलिस कैटाटा डोमेस्टिकस, किसका नाम है? ये कैट का नाम है। अभी देखो फैमिली देखते हैं हम लोग, तो फैमिली के अंदर हम लोग को ये पता चल रहा है कि भाई फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। अभी रिलेटेड स्पेशीज जीनस था, फैमिली क्या हो गया? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विच स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू द जीनस एंड द स्पेशीज। फैमिली का कैरेक्टराइजेशन अगर आप देखने जाएंगे ना तो यहाँ पर बहुत वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पेशीज मिल जाएंगे आपको। एग्जाम्पल देखो, एक है सोलैनम, सोलैनम आपको अभी जीनस मिला था, फिर एक पेटूनिया जीनस है और एक दतूर है। इन तीनों को एक ही सिंगल फैमिली के अंदर डाल दिया जाएगा, मतलब आपकी एक्सपांडेड फैमिली, आपकी इमीजिएट फैमिली विल बी कमिंग अंडर द जीनस, बट यहाँ फैमिली के अंदर क्या आएगा? एक्सपांडेड फैमिली। तो यहाँ पर आप बोलोगे भाई ये फैमिली है सोलैनेसी जिसके अंदर ये तीनों जीनस चले आ रहे हैं। एनिमल्स में देख लो तो भाई पैंथेरा जीनस हो या फिर पैंथेरा जीनस जिसके अंदर लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है, ये सब के पास पैंथेरा नाम है जीनस का। फेलिस जो कि आपका कैट है, ये सब कुछ मिलके एक ही फैमिली में आ जाते हैं, फैमिली का नाम है फेलिडी। फैमिली का नाम क्या नाम है? फेलिडी नाम। वैसे अगर अभी देखें हम लोग तो अगर हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं द फीचर ऑफ द कैट एंड द डॉग, कैट एंड डॉग के फीचर्स अगर आप देखेंगे तो कुछ सिमिलैरिटीज मिलेंगी लेकिन कुछ डिफरेंस भी मिलेंगे आपको, इसलिए ये लोग अलग अलग फैमिलीज में हैं। कैट फैमिली का क्या नाम? तो कैट फैमिली का नाम है फेलिडी, वेयर डॉग फैमिली का क्या नाम है? डॉग फैमिली का नाम है कैनिडी है ना, कैनिस लुपस डोमेस्टिकस डॉग का नाम है। ऑर्डर सो हमने भाई देख लिया कि भाई कई सारी कैटेगरीज हैं जैसे कि स्पेशीज है, जीनस है, फैमिलीज है, सब सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक पे थी। ऑर्डर और हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अंदर आप लोग डिफरेंसेस भी देखने वाले हैं और काफी ज्यादा बड़े बड़े डिफरेंसेस भी देखने को मिल जाएंगे हम लोगों को।
ठीक है, लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एंड मोर नंबर ऑफ डिफरेंसेस आपको देखने वाले हैं। अब यहां से जैसे कि देखो प्लांट की फैमिली देखो, कॉर्न वोल वुलेसी सोलैनेसी एंड इंक्लूडेड इन द ऑर्डर नाम है पॉलीमोनियल्स। याद रखना इसको, क्वेश्चन आ चुका है एक मरतबा, पॉलीमोनियल्स ऑर्डर के अंदर लोग आते हैं। इसके अलावा आप देखने वाले हो भाई एनिमल्स में आप कार्निवोरा की बात कर दो या फिर आप ठीक है कार्निवोरा की बात करते हैं अभी, तो कार्निवोरा में कौन आता है, फेलिडी फैमिली और कैनिडी फैमिली, फेलिडी फैमिली और कैनिडी फैमिली ये दोनों आ जाते हैं ऑर्डर कार्निवोरा में। कार्निवोरा का क्या मतलब है, जो लोग मीट कंज्यूम करते हैं उनको कार्निवोर बोलते हैं, है ना। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं क्लास। सो दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स जैसे कि प्राइमेटा, प्राइमेटा एक ऑर्डर है ना, प्राइमेटा एक ऑर्डर है जिस नाम में भी आपको ए मिल जाता है लास्ट में, मेजोरिटी ऑफ द टाइम वो एक ऑर्डर होता है। प्राइमेटा कंप्राइज मंकीज हैं, गोरिल्ला है, गिबॉन्स हैं, ये सब मैमलियन क्लास के अंदर है। ठीक है ऑर्डर कार्निवोरा देख लो, जब अभी हमने देखा भाई कार्निवोरा के अंदर डॉग है, कैट है वगैरह वगैरह है, टाइगर है, तो ये सारी चीजें जो रहेंगी ये सब के सब चले आएंगे क्लास मैमल्स के अंदर। ये सब किस में आ जाएंगे, क्लास मैमेलिया। ठीक है ओके, इसको ऐसे ही याद रखना रहेगा हम लोग। अब आज हम लोग फाइलम में आ जाते हैं। तो फाइलम, सो क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस हैं, एम्फीबियंस, फिशेस हो जाए एम्फीबियन, रेप्टाइल हैं, बर्ड्स हैं या मैमल्स हैं। ठीक है इसको एक साथ अगर आप एक वर्ड याद रखना चाहते हैं तो मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ, ये वर्ड है परम। क्या वर्ड है, परम। पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एस मैमेलिया। ठीक है ऐसे चलो और आगे देख लेते हैं अभी यहाँ पर हम लोग। तो कुछ हायर कैटेगरीज आर कॉल्ड एज फाइलम, उसके ऊपर अगर चले जाओगे तो फाइलम, जैसे कि फाइलम कॉर्डेटा में आएंगे ये सब, ये पांचों जो क्लासेस आने वाली हैं ये फाइलम कॉर्डेटा में आ जाएंगे। ठीक है ये हालांकि ये चार जो है सब क्लास है टेट्रापोडा में आएंगी और ये पाइसेस की अपनी खुद की क्लास रहेगी। चलो अब आगे देखते हैं। ऑन दिस बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम, हमारा जो नर्वस सिस्टम है डोर्सल है प्लस हमारे पास नोटोकॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड जो वर्टिकल कॉलम में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है चलो और देख लें आगे। अब एक और बात, फाइलम जो है अगर आप प्लांट्स प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो तो फाइलम को क्या बोलोगे, डिवीजन, इसको याद रखना फाइलम को आप डिवीजन बोलने वाले हो। किंगडम में आ जाते हैं। सो ऑल एनिमल बिलोंग टू वेरियस फाइला असाइन टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड एज किंगडम एनिमेलिया। इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट मेंबर्स होंगे जिनके एक दूसरे से कोई खास रिलेशन नहीं रहेगा, कोई सिमिलैरिटी नहीं दिखेगी क्योंकि हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है। इस वजह से जैसे कि भाई एक इंसेक्ट ले लो कोई भी, फॉर एग्जाम्पल आप कॉकरोच ले लो, तो कॉकरोच और ह्यूमन में कोई मेजर सिमिलैरिटी दिखती है क्या आपको, नहीं। बट क्यों वो दोनों किंगडम एनिमेलिया में, बिकॉज दे कैन लोकोमोट, दे कैन चेंज देयर पोजीशन, दे कैन चेंज देयर प्लेस फ्रॉम वन लोकेशन टू द अदर लोकेशन। द किंगडम प्लांट ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट, कंप्राइज ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिविजन। इसके अंदर पांच डिविजन है, कौन कौन से बोलो, वो है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, डेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। द टैक्सोनॉमी कैटेगरीज फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो यहाँ पर है, देखो मैं बता देता हूँ, है ना, कीप पोडियम क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। उसके अलावा आपको एक शो भी पता होगा केबीसी, वहां से मैंने केपीसी याद रखा क्योंकि यहीं पर आपको कंफ्यूजन आएगा। ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज में उतना प्रॉब्लम नहीं आता, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज में उतना प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है। ठीक है ओके चलो नीचे चलते हैं। ओके कुछ स्पेसिफिक आपको स्पेशल नेम्स याद रखने हैं। देखो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आ चुके इसलिए बोलूंगा इसको याद रख लेना। देखो ह्यूमन है, मैन है, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होमो सैपियन है, आपको ऑलरेडी पता है इसलिए मुझे ज्यादा टाइम नहीं देना इसके ऊपर। जीनस इसका रहेगा फर्स्ट वाला नेम जिसको आप होमो बोलने वाले हो। फैमिली भी सेम सेम बोलने जैसी लगती है ना, देखो होमिनिडी फैमिली, कौन सी फैमिली है, होमिनिडी है। ऑर्डर हमारा क्या है, ऑर्डर हमारा प्राइमेटा है। प्राइमेट के अंदर क्या खास बात होती है, प्राइमेट्स के अंदर क्या है बोलो, प्राइमेट्स के पास सोलर बोन है जिसको आप क्या बोलते हो, आप इसे बोलते हो क्लेविकल। ठीक है प्राइमेट्स के पास कॉलर बोन है, हम लोग बायपेडल लोकोमोशन शो करते हैं, हमारा इरेक्ट पोस्चर है प्लस हमारे पास प्रॉपर डेवलप्ड वर्टिब्रल कॉलम है ना। हमारा क्लास क्या है, हमारी क्लास है मैमल्स और उसके बाद हम लोग का फाइलम डिवीजन, फाइलम जो आता है वो कॉर्डेटा है, डिवीजन हम लोग प्लांट्स में पढ़ने वाले। हाउस फ्लाय मस्का डोमेस्टिका, हाउस फ्लाय का क्या साइंटिफिक नेम, इसका साइंटिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका, उसका जो जीनस रहेगा वो मस्का रहने वाला है। फैमिली भी सेम सेम है ना, पढ़ने जैसी म्यूसीडी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है म्यूसीडी। सिर्फ एक चीज आपको पूरे टेबल में याद रखनी है, डिप्टेरा, क्या डिप्टेरा याद रखना, इस डिप्टेरा को याद रखो ये काफी प्रॉब्लम दे सकता है। डिप्टेरा इज द ऑर्डर ऑफ हाउस फ्लाई। इंसेक्टा क्लास है, इसमें तो कोई इतना इशू आएगा नहीं, आर्थ्रोपोडा है भाई, हाँ ठीक है। मैंगो एक प्लांट है, मैंगो का साइंटिफिक नेम बनता है आपका मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। ये देखो इसका स्पेशीज है, इसका जीनस रहेगा मैंजीफेरा जो कि यहाँ पर है। अब देखो फैमिली में अनाकार्डियासी नाम है,
इतना टफ नाम है नहीं, एनाकार्डियस, और इनका ऑर्डर क्या है, सेपिंडल्स, इनका ऑर्डर सेपिंडल्स है, क्लास इनका डायकोटिलेडॉन है, फाइलम इनका एंजियोस्पर्म है। ये ऑर्डर और ये फैमिली याद रखने में प्रॉब्लम आएगा, याद रख लेना एक ही बार का काम है। वीट, वीट का नाम है साइंटिफिक ट्रिटिकम ऑस्टिवम, क्या नाम है, ट्रिटिकम ऑस्टिवम, ठीक है, जीनस ट्रिटिकम है, फैमिली पोएसी से बिलोंग करते हैं ये लोग, ऑर्डर इनका पोएल्स है, दोनों सेम सेम है ना, पोएसी एंड पोएल्स। अब देखो क्लास इनकी मोनोकॉट में आती है, फाइलम इनका रहेगा, डिवीजन इनका आएगा एंजियोस्पर्म, प्लांट अगर है तो डिवीजन की बात करेंगे। चलो टैक्सोनॉमी एड्स, यहाँ पर एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम नहीं है, रादर एड्स का मतलब होता है टूल्स। तो हम लोग यहाँ पे टैक्सोनॉमी एड्स के बारे में बात करते हैं, तो पहला जो टैक्सोनॉमी एड मिलता है हम लोग को ये रहता है हर्बेरियम, हर्बेरियम है ना, एक ऐसे शीट रहेगी जिसके ऊपर ड्राइड स्पेसिमेन शीट ऐसी रहेगी हमारी, होपफुली आपको दिखाई दे रहा होगा, वो शीट होगी जिसके अंदर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, एक ऐसी शीट होगी जिसके ऊपर आपका प्लांट होगा और यहाँ पर एक स्ट्रीम राइट कॉर्नर में यहाँ पर एक लेबल रहेगा, ठीक है, इसको ऐसे ही याद रखना। चलो हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स, है ना, ये शीट जो रहेंगी हमारी अरेंज होती है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम। जैसे देखो समझ लो यहाँ पर कई सारे डिफरेंट 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 कैबिनेट्स दिख रहे हैं आपको, तो हर जगह पे अलग अलग हर्बेरिया की शीट्स होंगी, हर जगह पे क्या होगी, अलग अलग हर्बेरिया की शीट्स मिलने वाली है आपको। हर्बेरियम इज एक्सक्लूसिव, वेरी एक्सक्लूसिव टू प्लांट्स। हम लोग जब फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड में थे ना, तो हम लोग को ये प्रोजेक्ट दिया जाता था कि भाई आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लांट की जो है जैसे छोटी छोटी ब्रांचेस जिनमें लीव्स लगी हूँ उसको पेजेस पे रख के उसको प्रेस करना है, काफी टाइम तक प्रेस करना है, फिर उसको स्टिक करना है आपको उस नोटबुक के अंदर और वो लाके सबमिट करना है। हम लोग ऐसे सबमिट करते थे, फिर हम लोग बाद में ऐसा लगे हर्बेरिया कलेक्शन होते थे। दिस स्पेसिमेन अलॉन्ग विद डिस्क्रिप्शन ऑन हर्बेरियम शीट बिकम अ स्टोर हाउस और रिपोजिटरी फॉर द फ्यूचर यूज, कहाँ बोला था मैंने, लेबल एक्सट्रीम राइट कॉर्नर में रहेगा, ठीक है। हर्बेरिया मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्विक रिफरल सिस्टम यूज किए जाते हैं इन द टैक्सोनॉमिक स्टडीज। बोटेनिकल गार्डन, नाम से समझ में आ रहा है किससे रिलेटेड है, प्लांट्स या एनिमल्स, ये रिलेटेड है प्लांट्स से। बोटेनिकल गार्डन बहुत अच्छे होते हैं, बोटेनिकल गार्डन में हमारी कॉलेज में भी एक बोटेनिकल गार्डन है। These are specialized gardens of collections of living plants for reference. Plant species in these gardens are grown for identification purpose and each plant is labeled indicating its botanical scientific name and its plant name. Correct बोल रहा हूँ? देखो, the famous botanical garden याद रखना पड़ेगा आपको क्यों, है ना? Royal Botanical Garden भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, Royal Botanical Garden, ये क्वेश्चन आ चुका है इसको याद रखना। क्यों में इंग्लैंड में है, क्यों इंग्लैंड में बोटेनिकल गार्डन है आपका हावड़ा में इंडिया में और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में भी है, ठीक है, इसको याद रख लेना। म्यूजियम, अब देखो म्यूजियम, म्यूजियम स्पेशली किसके लिए होता है, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के लिए रहेगा, बट ज्यादातर हम लोग इसके अंदर ज्यादा ध्यान देते हैं एनिमल्स के प्रिजर्वेशन के बेसिस पे। बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, बहुत मजा आता है जाने में वहां पर, काफी अच्छा लगेगा आपको, आप जब भी म्यूजियम में जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वो स्कूल की ट्रिप्स भी जाती है म्यूजियम में, जब हम लोग छोटे रहते हैं जब भी लेके जाते हैं। Schools and colleges museum of collection of preserved plants and animal specimens. Specimens are preserved in the containers or jar. क्या कौन सा solution होता है बोलो, उसके अंदर क्या नाम है उस solution का, उस solution का नाम होता है, उस solution का नाम होता है formalin. क्या नाम होता है, formalin, याद रहेगा ना, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। ये basically formalin जो होता है ना, ये diluted form of formaldehyde होता है। इंसेक्ट्स को किसमें रखोगे, अभी देखो प्लांट्स और एनिमल्स को, तो प्लांट्स को स्पेशली आप लोग ड्राई स्पेसिमेन के तौर पे रख सकते हो, एनिमल्स में स्टफिंग करके ड्राई किया जाता है, लेकिन अगर आप इंसेक्ट्स को ले रहे हैं तो उनके लिए स्पेशल इंसेक्ट बॉक्स होते हैं। हनी बीज के खासतौर बहुत सारे कलेक्शन मिलेंगे, है ना, तीन प्रोसेस होते हैं, क्या क्या है, तीनों प्रोसेस के नाम याद रखने पड़ेंगे, किलिंग, सॉरी कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग, ये तीन प्रोसेस है, कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। लार्जर एनिमल्स जैसे बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं वगैरह वगैरह, हमारे लैब में जो है ना हाइना है, हाइना, ठीक है, हमारे लैब में हाइना है स्टक्ड। जूलॉजिकल पार्क, तो ये किससे रिलेशन में रहेंगे, जूलॉजिकल पार्क जो हमारे होंगे ये सारे रिलेशन में रहने वाले हैं एनिमल्स के। दीज आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर, तो ये एक्स सी टू आपका कंजर्वेशन है या इन सी टू बोलो, तो ये है इन सी टू, ये क्या रहेगा, एक्स सी टू, ये रहेगा आपका एक्स सी टू। एक्स सी टू का क्या मतलब, एक्स सी टू का मतलब है एक्स सिचुएशन, मतलब अपनी जगह से निकाल के दूसरी जगह लेके आए हैं। All animals in a zoo are provided as far as possible. क्या provide करवाए जाते हैं इनको? The conditions similar to the natural habitat. लेकिन फिर भी आप उसको X situ ही बोलने वाले हैं। X situation. In situation में वहीं पर आप उनको सारी conditions provide, सारी facilities provide करके देने वाले हैं। X situ में इधर लेके आना पड़ता है। Children love visiting their park, commonly called as zoos. चलो,
की, तो की के अंदर ये बताया जा रहा है कि इज अनदर टैक्सोनॉमिकल एड व्हिच इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट। देखो यहां पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल दोनों, अभी देखो एनिमल और प्लांट की आइडेंटिफिकेशन के लिए की जब यूज करते हो ना, तो एक ऐसे पेपर होता है जिसमें आपको बीच में कैसे कॉलम मिल जाएगा, यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स होंगे और यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। ये की के जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं जिसको आप सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बोलोगे। अब आपके पास फॉर एग्जांपल एक एनिमल है, एनिमल एक्स, ठीक है। अब इसके पास ये कैरेक्टर है, इसके अंदर मैच हो गया एक कैरेक्टर, फिर आप कौन सा कैरेक्टर है, ये वाला मैच हो रहा है, ये वाला मैच हो रहा है, तो आप अल्टीमेटली आप अपने कंक्लूजन तक पहुंच पाते हैं। दे आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर कॉल्ड एज कपलेट। क्या बोलते हैं इनको, इनको कपलेट बोला जाता है, कपलेट बोलते हैं इनको। इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन द टू अपोजिट ऑप्शंस। इसके अंदर एक्सेप्टेंस, एक एक्सेप्ट हो जाएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इस स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड एज अ लीड। एक स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, लीड बोलते हैं, ठीक है। और सेपरेट टैक्सोनॉमी कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमी कैटेगरी सच एज फैमिली हो, जीनस हो, स्पेशीज हो। आमतौर से आप देखेंगे तो स्पेसिफिक लेवल की जो कीज होती है काफी डाइवर्स होती है। यामाकुटी की कुछ कीज अवेलेबल है जो कि सेस्टोर्स के लिए जो कि बेस्ट मानी जाती है। ओके चलो और आगे देख लेते हैं। एनालिसिस करने के लिए कीज यूज होती है, फ्लोरा हो, मैन्योर्स हो, मोनोग्राफ्स हो, है ना। फ्लोरा है, मैन्योर्स है, मोनोग्राफ्स है, दे आर एंड कैटालॉग्स भी रहते हैं। फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ और कैटालॉग, ये जो होंगे सम अदर मींस ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ क्योंकि यहाँ से दो बार क्वेश्चंस मुझे देखने को मिले हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। फ्लोरा के पास क्या होता है, एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट ऑफ अ गिवन एरिया, ठीक है। दे प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। मैनुअल्स क्या करते हैं, ये आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। मैनुअल क्या करते हैं, स्पेशल एरिया के अंदर जो स्पीशीज फाउंड हो रही है वो। मोनोग्राफ, मोनोग्राफ के अंदर मोनो लिखा हुआ है ना वर्ड, मोनो का क्या मीनिंग, मोनो का मीनिंग है वन। सो मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन। तो होपफुली ये लेक्चर सीरीज आपको पसंद आ रही है। ये पहला लेक्चर है हमारा अपने आप का वन शॉट सीरीज हिंदी में बनाने का। इससे पहले कि मेरे वन शॉट के लेक्चर्स कुछ मिल जाएंगे आपको, कुछ 16-17 चैप्टर्स मैंने अपलोड करके रखे हुए हैं बट वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। बट अभी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हिंदी लैंग्वेज में टीच करने का और ये मेरा पहला चैप्टर है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आप अभी तक सुन रहे हैं मतलब आप लिटरली काफी इंटरेस्टेड हैं, आपको मेरी टीचिंग पसंद आ रही है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और बात बोलना चाहूंगा मैं अपने स्टूडेंट्स को स्पेशली यहाँ पर थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि वो अगर इनकरेज नहीं करते तो शायद हम लोग ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट नहीं करने वाले।